तुमने मेरी चॉकलेट्स क्यों खाई? टेबल पर पड़ी थी, मैंने सोचा बेकार है। बेकार तो तुम भी हो इस घर में। तुम्हारे बाप की ख्वाहिश थी कि तुम मेरे घर में बहू बन के आओ। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ तो सकता नहीं, हाँ मगर तुम्हारा हाथ थाम जरूर सकता हूँ। जब आंखें ख्वाब बुनना चाहेंगी, नींद खुद ही आकर बसेरा कर लेगी। ख्वाब तो जागती आंखों से भी देखे जाते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ कि अली कैसा लगता है तुम्हें? वो क्या जाने कि प्यार होता क्या है। अगर तुम जानती हो तो बता दो। मगर अब मुझे जानना है अपने प्यार को भी और तुम्हारे प्यार को भी। कैसे दोस्तों तुम मेरे, खुद ही जान लो ना। अब सारी बातें कही थोड़ी जाती हैं, कुछ बातें महसूस भी की जाती हैं। Don't you think it's too early? बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आप। अब बाज़ फैसले ऐसे होते हैं कि अगर उनका देर तक सोचा जाए तो जोर पड़ जाते हैं। सिकंदर अक्सर जाने अनजाने ऐसी बातें कर जाता है जैसे उसे मेरे और अली का रिश्ता तय होने से एतराज है। तुम्हें नहीं लगता तुम एक गलत आदमी से प्यार कर बैठी हो? फिर मुझे किससे प्यार करना चाहिए था? इसके लिए तुम जो हो उसके देवर, तुम उसका दिल लगा के रखना। तो फिर रिश्ता भी देवर से ही तय कर देते। तुम इतने घटिया सोच के मालिक हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने अगर एक लम्हा भी मुझे दिल से चाहा तो अभी तेरे कमरे से, मेरी नजरों से और मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। जितनी बड़ी तुमने गुस्ताखी की है, मैं ना चाहूं भी तो तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम्हारे भाई ने तो जाने से पहले इतना वक्त भी नहीं दिया कि अपने दिल की बात कर सकूं। भैया, डॉक्टर साहब, भैया उठो ना। जिसे मैंने चाहा, जिसे अपना समझा, वो तो मेरा था ही नहीं, वो तो किसी और का था।